हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड माय नेम इज़ रवि। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं इंडियन पॉलिटी के। इंडियन पॉलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, आप जानते ही होंगे। तो अभी तक हमारा जो है पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संविधान का इतिहास। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो उसका ये 7वां लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले, इसके पहले जितने भी वीडियो हमने आपको पढ़ा दिए हैं इंडियन पॉलिटी के, वो सारे पढ़ लीजिएगा, तभी आपको जाकर भारतीय संविधान जो है अच्छे समझ में आ पाएगा। और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ये समझना है आपको, तो इसके पहले वाले सारे लेक्चर देख लीजिएगा। तो इसमें क्योंकि कुछ परिवर्तन होंगे वो तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएंगे अगर पहले के लेक्चर आपने जो है अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में वीडियो नंबर 6 में आपने जो है साइमन आयोग के बारे में पढ़ा होगा। साइमन आयोग जो कि 1927 को ये स्थापित हुआ था, वो इसलिए स्थापित हुआ था, उसे ये चेक करना था कि जो इससे पहले 1919 का अधिनियम था उसमें क्या परिवर्तन ऐसे किए जाए कि ताकि आगे जो है शासन की प्रगति हो सके। तो ये सब बातें आपने देखी होंगी। हालांकि उस आयोग की का गठन जो 1929 में होना था मगर 1927 में ही हो गया, 2 साल पहले ही हो गया, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये भी था कि इलेक्शन आने वाले थे ब्रिटेन में, तो उस समय जो तत्कालीन पार्टी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी कि हमारा जो है क्रेडिट कोई दूसरी पार्टी ले जाए, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो चलिए, साइमन आयोग तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें कुछ सिफारिशें मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका प्रांत में दैत्य शासन व्यवस्था है उसको हटा दिया जाए और एक उत्तरदायी शासन की जो है घोषणा की जाए। तो चलिए देखते हैं 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें हालांकि था क्या, ठीक है देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ब्रिटिश संसद ने जो है अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम में ये 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियाँ थी। तो ये एक बहुत ही विस्तृत जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं संविधान ही था ये, ठीक है, बहुत ही बड़ा था ये। और जो हमारा आज का जो संविधान है उसमें जो है 1935 का जो ये अधिनियम आया था उसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इसका बहुत ही मेजर पोर्शन जो है हमारे संविधान में जोड़ लिया गया है एज इट इज़। तो सबसे पहले आपको बात ये याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियाँ थी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है। और हुआ क्या था, अब देखिए इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो राज्यों में या प्रांतों में जो है द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि दो भागों में बांटा हुआ था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित। तो अब क्या हुआ, राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था को हटा दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, उनको जो है एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार उनको जो है प्रदान किया गया राज्यों को। मगर हुआ क्या उसके बाद, अब केंद्र में जो है दैत्य शासन की व्यवस्था आ गई, ठीक है। जब केंद्र में दैत्य शासन की जो स्थापना हो गई तो उसके तहत हुआ ये कि कानून बनाने की शक्तियां या विधायी शक्तियां जो है उनको केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच जो है विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। मतलब कुछ क्षेत्र जो है, कुछ विभाग वो बांट दिए गए तीन भागों में जो है, ये कुछ विषय जो है तीन भागों में सभी विषयों को बांट दिया गया। एक तो था परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं परिसंघ सूची की। तो देखिए परिसंघ सूची के अंतर्गत जितने भी काम आते थे, नाम से ही पता लग रहा है, उन पर जो है केंद्रीय विधान मंडलों को केवल कानून बनाने का अधिकार था। तो इस परिसंघ सूची के अंतर्गत मैं आपको बता दूं क्या क्या काम थे, जैसे विदेशी कार्य थे, करेंसी और मुद्रा का जो विभाग था, नौसेना और वायुसेना और जनगणना जैसे जो है विषय थे वो परिसंघ सूची में आते थे। तो परिसंघ सूची में जो भी कानून बनाना है उस पर अधिकार जो है केवल केंद्रीय विधान मंडल का था, ठीक है, याद रखिएगा, नाम से पता लग रहा है। और प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूचियों के विषय पर जो है केवल प्रांतीय विधान मंडल के जो है ये अधिकार था इनका, और यही जो है कानून वानून बना सकते थे इस पे, जो प्रांतीय विधान मंडल था उन्हीं को कानून बनाने का अधिकार था। ये ऐसे विषय प्रांतीय सूची के अंतर्गत आते थे। प्रांतीय सूची के अंतर्गत मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे पुलिस विभाग और जो प्रांत की लोक सेवा है और जो प्रांतीय शिक्षा है वो सब इसमें आते थे। अब देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची दोनों में कॉमन, दोनों का जो है दोनों का उस पर अधिकार हुआ करता था। मतलब समवर्ती जो सूची थी इसके विषयों पर जो है
परिसंघ या केंद्र का भी था और प्रांतीय विधान मंडलों का भी, दोनों का जो है अधिकार था। मतलब जो केंद्रीय विधानमंडल थी और आपकी जो प्रांतीय विधानमंडल है, ये दोनों जो है कानून बना सकते थे इस पे। तो कुछ विषय मैं आपको बताता हूँ समवर्ती सूची के, जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह के जो मामले थे, ठीक है, तो ये सब जो है समवर्ती सूची में आते थे, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का जो है अधिकार था। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे प्रांतीय सूची जो है अलग अलग प्रांतों का अलग अलग है, तो किसी भी एक प्रांत का जो है दूसरे प्रांत की शक्तियों पर जो है कुछ भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब जो वो प्रांत था पर्टिकुलर, वो किसी दूसरे प्रांत के साथ जो है कुछ भी उस पर अधिकार उसको नहीं मिले थे जो प्रांतीय सूची के अंतर्गत जो आते थे। मगर केंद्र का हो सकता था, प्रांतीय सूची में जो है केंद्र का हो सकता था। किस कंडीशन में? जब वायसराय के द्वारा जो है आपातकालीन की घोषणा की जाए, ठीक है, इमरजेंसी ला दी जाए वायसराय के द्वारा उस समय, तो जो है जो केंद्र की विधानमंडल है तो वो क्या करेगी, जो प्रांतीय सूची, जो आपके प्रांतीय सूची के जो विषय हैं इन पर भी कानून बना सकती थी। किस कंडीशन में? जो केंद्रीय विधानमंडल है वो प्रांतीय सूची के अंतर्गत जो विषय आते थे तो उस प्रांत के लिए जो है कानून बना सकती थी, मगर एक ही कंडीशन पर, जब वायसराय के द्वारा जो है आपातकालीन की जो है युद्ध घोषणा की जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था एक कंडीशन। और एक और कंडीशन थी दोस्तों कि जो केंद्रीय विधानमंडल है वो प्रांत के जो सूची के जो विषय थे उन पर अधिकार बना उस उन पर जो है कानून बना सकती थी एक ही कंडीशन पर, अगर जो है प्रांतीय जो विधानमंडल थी वो अनुरोध करें, ठीक है, मतलब जो प्रांतीय विधानमंडल थी वो अनुरोध करे कि जो परिसंघ की विधानमंडल है वो हमारे विषयों पर हमें कानून बनाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि प्रांतीय सूची पर हस्तक्षेप केंद्र का दो कंडीशन में हो सकता था, एक तो आपातकालीन और दूसरा जो है अगर प्रांतीय के जो प्रांत के जो विधानमंडल है वो खुद अनुरोध करे कि आप हमें जो है हमारे इस प्रांतीय सूची के जो विषय इन पर जो कानून बना के दीजिए, हमें कानून बनाइए, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, तो इनका निर्माण किया गया था 1935 एक्ट के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ, 1935 का जो अधिनियम आया था इसके तहत बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया, याद रखिएगा, बर्मा या म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया 1935 एक्ट के तहत। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, सारी याद रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत आपको बातें याद रखी हैं कि मताधिकार को बढ़ाया गया, तो इस अधिनियम के तहत मताधिकार को जो है बढ़ाया गया, और अब लगभग क्या हो गया कि 10% या उससे ज़्यादा जो है जनसंख्या को जो है मत अधिकार दे दिए गए। मतलब जनसंख्या के 10% से या उससे 11 के आसपास, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है कि 10% जनसंख्या को जो है मताधिकार जो है मिल गया था। और क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का जो है अंत कर दिया गया। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम था 1935, ये आखिरी भारत परिषद अधिनियम होगा, ठीक है, इसके बाद कोई भी भारत परिषद अधिनियम नहीं आएगा, तो यह बात, इस बात को आपको याद रखना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, देश की मुद्रा और जो शाख पर नियंत्रण के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है, 1935 एक्ट के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ताकि जो है जो देश की मुद्रा है और शाख जो है उस पर नियंत्रण किया जाए, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो था वो केवल ब्रिटिश संसद के पास था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में जो परिवर्तन करना था उसका अधिकार जो है केवल ब्रिटिश संसद के पास था, वो ना ही प्रांतीय विधानमंडल को अधिक कुछ अधिकार था इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का, और ना ही जो है संघीय व्यवस्थापिका को कुछ अधिकार था। तो ये प्रांतीय विधानमंडल या संघीय जो आपका व्यवस्थापिका है ये कुछ भी परिवर्तन इस पे नहीं कर सकते थे, जो 1935 के एक्ट में जो भी परिवर्तन करना होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। और क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई भाई 1937 में, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की जो है स्थापना हुई। और इस न्यायालय में क्या हुआ कि एक तो मुख्य न्यायाधीश था और दो जो है अन्य न्यायाधीश थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश था और दो जो है अन्य न्यायाधीश थे।
तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 1937 में हुई, मगर 1935 का जो एक्ट के तहत ही हुई थी ये। आपने देखा होगा इससे पहले कि जो साइमन आयोग आया था उसकी सिफारिशों में भी जो है कुछ इस तरीके की बातें थीं, तो उनमें से कुछ बातों को लिया गया था और कुछ बातों को छोड़ दिया गया था, और कुछ बातों को जो है उनमें और भी अधिकार जोड़कर यहाँ जोड़ा गया था। तो ये बातें याद रखेंगे आप। और प्रस्तावना का अभाव था इस अधिनियम के तहत, के जो दोस्तों प्रस्तावना का इसमें अभाव था। ठीक है, अगली बात देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। आप देख रहे होंगे कि 1919 का जो एक्ट था उसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, मतलब सिख समुदाय को भी जो है ये अलग पृथक निर्वाचन ये प्रणाली में शामिल किया गया, और जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए भी ये पृथक निर्वाचन की जो है ये सिद्धांत लाया गया उनके लिए भी। तो इस तरीके से 1935 एक्ट में जो है सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व का जो भी या सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति चली आ रही थी उसको बरकरार ही रखा, बरकरार क्या उसको और भी विस्तार कर दिया गया। ठीक है, उसमें और भी क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अब विस्तार किस तरीके किया, अब जो दलित जातियां थी और जो महिलाएं थी और जो मजदूर वर्ग था उनके लिए भी अलग से जो है प्रतिनिधित्व का जो है व्यवस्था की गई। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें आप याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था जो है यह लाई गई। ठीक है, प्रांतों में, इससे पहले 1919 के एक्ट में देखा होगा आपने वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। तो अब क्या हो गया कि प्रांतों में पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार जो है बंगाल, बम्बई और मद्रास और बिहार आपके, और बाकी जो संयुक्त प्रांत था उसमें, उसके बाद आसाम, इन क्षेत्रों में जो है द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई थी। ठीक है, एक क्या थी, विधान परिषद, और दूसरी विधानसभा बन गई थी। हालांकि इन पर जो है कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा कि प्रांतों में जो है पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई 1935 एक्ट के तहत। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अखिल भारतीय महासंघ। तो इस अधिनियम के तहत दोस्तों एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था। तो इस अखिल भारतीय महासंघ का में ये प्रावधान था कि इसके अंतर्गत जो है यह 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और बाकी जो देसी रियासतें थीं उनको मिलाकर जो है ये बनाया जाएगा, मगर जो देसी रियासतें होंगी वो अपनी स्वेच्छा से अगर इसमें शामिल होंगी तब। ठीक है, मतलब 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और जो है उन देसी रियासतों से मिलकर बनने वाला जो है संघ क्या कहलाएगा, अखिल भारतीय ये संघ कहलाएगा, मगर इसमें जो है देसी रियासतें जो भी होंगी जितनी भी आएंगी वो अपनी स्वेच्छा से अगर आती हैं तब। मगर आप देखेंगे कि जो देसी रियासतें थी उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इसमें शामिल होने से क्या किया, इनकार कर दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो है प्रावधान शामिल किया गया था। तो इस संघ का जो निर्माण है वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं जिस जो कि उनकी संख्या 11 थी, और जो आपके चीफ कमिश्नर जो प्रांत हैं ये जो क्षेत्र हैं जिनकी संख्या 6 थी, और जो बाकी देसी रियासतें थीं उनसे मिलकर इनका जो है यह निर्माण होना था। परंतु यह व्यवस्था जो है देसी रियासतों का संघ में ना शामिल होने के कारण यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, देसी रियासतें जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो नहीं शामिल होंगी, तो इसलिए अखिल भारतीय संघ या महासंघ ये जो है नहीं बन सका। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन थे। तो ब्रिटिश प्रांत थे जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, और बाकी 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे, और बाकी जो है देसी रियासतों को शामिल होना था, मगर ये नहीं पॉसिबल हो पाया। और एक बात इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि 1937 में जो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ कि 1937 के अंतर्गत जो है भारत में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें जो है कांग्रेस ने 11 में से जो है 8 प्रांतों में जो है अपनी सरकार बनाई थी। जो पहले 6 8 जो 8 इसमें थे पहले 6 में तो इनको बहुमत प्राप्त हो गया था, मगर बाकी कुछ में जो है इनको बहुमत नहीं प्राप्त हो सका था। तो 8ों राज्यों के नाम पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। पहला तो है बॉम्बे या बम्बई, दूसरा मद्रास, तीसरा बिहार,
चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा मध्य प्रांत, छठवां उड़ीसा और सातवां उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और आठवां आखिरी जो है असम। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत थे और आपके असम में थे, यहाँ पे जो है गठबंधन वाली सरकार थी, बाकी इनमें जो है इनका बहुमत था। ठीक है, और इसके अलावा ये 11 राज्य टोटल थे ना, बाकी अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ ये चुनाव हुए थे, तो एक तो बंगाल हो गया, बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं हो पाया था, पंजाब में कुछ नहीं हो पाया था, ठीक है, और सिंध में कुछ नहीं हो पाया था। तो ये तीन, तो टोटल कितने हो गए, 11। 11 में से 8 जगह पर जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो है और आसाम में, यहाँ पे बनाई थी, जबकि बंगाल, पंजाब, सिंध में यहाँ पे इनको सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। इन 8ों में से 6 जो ये पहले 6 हैं, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, यहाँ पे जो है इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमांत और असम में इनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, गठबंधन वाली सरकार थी। तो ये था पूरा आपका 1935 का अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।